यहाँ आपकी दोस्त चूनी चिड़िया आ गई एक नई कहानी लेकर। करोड़पति चुड़ैल। ये कहानी एक टुनटुनी नामक गरीब चिड़िया की है, जो अपने बूढ़े पिता कुन्नू चिड़ी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही करोड़पति बनने का बहुत शौक था, इसलिए वो हर मौके की राह देखती रहती थी जिससे करोड़पति बना जाए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पास वाले जंगल में सैर करने गई थी, तभी एक कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को जमीन पर जख्मी अवस्था में पड़ा मिलता है। अरे कौवे भाई, आप कौन हैं और आप इतनी जख्मी कैसे हो गए? तुम कौन हो चिड़िया बहन? मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ, आपको तो बहुत चोट लगी है। चलिए मैं आपको किसी डॉक्टर पक्षी के पास लेके चलती हूँ ताकि आपका इलाज हो सके। चिड़िया बहन। अरे आप बात मत कीजिए, आपको तो बहुत चोट आई है, चलिए आप मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मुझे डॉक्टर पक्षी पे ले जाने का कोई फायदा नहीं, आप मुझे भली पक्षी दिखाई देती हो। चिड़िया बहन आप मुझे बस मेरे घोंसले में ले चलो। टुनटुनी चिड़िया उस कालू कौवे को अपने कंधे पर उठाती है और उस कालू कौवे के बताए हुए रास्ते के अनुसार उसके घोंसले में लेके आती है। कालू कौवे का घोंसला किसी आलिशान महल से कम नहीं था, ये देख कर टुनटुनी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बाप रे, क्या आलिशान घोंसला है आपका तो कौवे भाई। चिड़िया बहन आपको वो तीन थैले दिखाई दे रहे हैं, उन थैलों को आप अपने साथ लेके चले जाइए। इतना कहकर वो कालू कौवे की वही मृत्यु हो जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। थोड़े समय बाद जब टुनटुनी चिड़िया उन तीनों थैलों को खोलकर देखती है तो उसमें कई तरह के सोने के जेवर, हीरे जवाहरात, पैसे, कई करोड़ रुपए का माल था। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना, इससे पहले कि कोई पक्षी मुझे देख ले मुझे तुरंत ये सारा खजाना लेकर अपने घोंसले में जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे एक एक थैला करके वो सारा खजाना अपने घोंसले में लेके आ जाती है। आखिरकार मेरा करोड़पति बनने का सपना पूरा हो ही गया। अरे बिटिया, ये सारा खजाना तुम कहाँ से लाई हो? टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने पिता को सारी बात विस्तार से बताती है। ये बात सुनकर कुन्नू चिड़िया बहुत गुस्सा करता है और वो टुनटुनी चिड़िया को सारा खजाना वापस उसी कौवे के घोंसले में रख के आने को कहता है। अरे पिताजी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतना सारा खजाना आप कह रहे हैं कि वापस रखाऊं? बिटिया, अगर तुम ये सब वहाँ रख कर नहीं आई तो मैं जंगल के सारे पक्षियों को इस खजाने के बारे में बता दूंगा। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया गुस्से में आग बगुला हो जाती है और वो अपने ही पिता को उस खजाने की लालच में आकर जान से मार देती है और अपने पिता को एक दरिया में ले जाकर फेंक देती है। ये खजाना केवल मेरा है, मैंने ही बचपन से करोड़पति बनने का सपना देखा था और देखो आज भाग्य ने मुझे करोड़पति बना ही दिया, अब मैं पूरे जंगल पर राज करूँगी। रात का समय टुनटुनी चिड़िया उस खजाने को गिनने में लगी थी, तभी एक झुमरू कौवा और समर तोता दोनों टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के बाहर आते हैं। वो जैसे ही इतना सारा खजाना देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। दोनों पक्षी घोंसले के बाहर छुपकर उस खजाने को देखे जा रहे थे। अरे तोते भाई, देखा आपने? हाँ कौवे भाई, पर इस चिड़िया के पास इतना सारा खजाना कहाँ से आया? वो सब छोड़िए तोते भाई, हमें बस इस बात पर ध्यान देना है कि हम कैसे ये खजाना प्राप्त करें। अरे इतना खजाना पाकर तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हाँ कौवे भाई, इस चिड़िया को सोने तो दो, जब ये सो जाएगी तो हम इस चिड़िया का काम तमाम करके इसका सारा खजाना लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। ये कहकर झुमरू कौवा और समर तोता दोनों वहाँ से उड़कर जंगल में आते हैं और अपने कुछ साथी पक्षियों को जमा करते हैं और उन्हें भी उस खजाने के बारे में बताते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात बताई आपने कौवे भाई, चलो उस चिड़िया का अभी खात्मा करके आते हैं। रात गहरी होती गई, सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं। सारा खजाना घोंसले में ही पड़ा हुआ था और टुनटुनी चिड़िया गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी चील और बाकी सब पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया को सोते सोते ही जान से मार देते हैं। चलो इस चिड़िया का तो काम तमाम हो गया,
अब इस खजाने पर केवल हम सब का हक है। चलो इसे यहाँ से लेके चलते हैं। हाँ, सारे पक्षी खजाने को उठाते हैं और उस घोंसले से निकलने लगते हैं। तभी चील पीछे मुड़कर टुनटुनी चिड़िया को देखता है, तो पीछे टुनटुनी चिड़िया नहीं थी। ये देखकर चील बहुत घबरा जाता है। अरे वो चिड़िया कहाँ चली गई? सब पक्षी पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी उन सारे पक्षियों के पीछे से वही टुनटुनी चिड़िया एक भयानक चुड़ैल बनकर आती है। मुझे मारकर मेरे खजाने को कहाँ लेके जा रहे हो पक्षियों? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अपने पीछे तो देखिए पक्षियों, यहाँ तुम्हारी मौत खड़ी है। सारे पक्षी जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चुड़ैल! अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? चील के दोनों पैर पकड़कर उसे हवा में उल्टा लटका देती है। इस खजाने को पाने के लिए मैंने अपने ही पिता को जान से मार दिया, और तुम मुझे मारकर मेरा ये खजाना यहाँ से ले जा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? चुड़ैल टुनटुनी चिड़िया गुस्से में आकर उस चील की गर्दन तोड़कर उस चील को कच्चा चबा चबा कर खा जाती है। ये देखकर सारे पक्षियों की हालत खराब हो जाती है। अरे बाप रे बाप, अरे इस चुड़ैल ने तो चील को नोच नोच कर खा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को हाथ लगाने की? हमें क्षमा कर दो चुड़ैल बहन, हमसे गलती हो गई। हमें मत मारना, हम आपका ये खजाना यहीं घोंसले में अच्छे से रख देते हैं। चुड़ैल बहन, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे मुझे जाने दो चुड़ैल बहन, मैं जीवन में कभी किसी खजाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। कौवे, तूने ही इन सारे पक्षियों को यहाँ लाया है ना? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल टुनटुनी चिड़िया झुमरे कौवे के दोनों पैर पकड़ती है और उसे जोर जोर से पूरे घोंसले में पटकती जाती है। झुमरू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस झुमरू कौवे के दोनों पंख छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पूरे घोंसले में बिखर जाते हैं। झुमरू कौवे के शरीर के सारे पंख निकल जाते हैं। मेरे पंख! तभी वो चुड़ैल टुनटुनी चिड़िया झुमरू कौवे को भी खा जाती है। इसी तरह वो सारे पक्षियों को मौत के घाट उतार देती है। बस समर तोता ही इकलौता वहाँ जीवित था। चुड़ैल जी, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तू तो चिंता ना कर तोते, मैं तुझे नहीं मारूंगी। अगर तू अपना जीवन चाहता है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम चुड़ैल बहन? तुम्हें इस जंगल के हर पक्षी के पास जाकर ये कहना होगा कि ये खजाना केवल मेरा है, और मैंने इन सारे पक्षियों को कैसे बेरहमी से मारा है ये सब बताना होगा, ताकि जीवन में कभी कोई पक्षी मेरे इस खजाने को चुराने का तो दूर इसके बारे में सोचे भी नहीं। समझे? समझ गया चुड़ैल बहन। ये खजाना केवल मेरा है, समझे? मैं ही इस जंगल की करोड़पति चुड़ैल हूँ, समझे? ये खजाना मेरा है। चुड़ैल टुनटुनी चिड़िया को चिल्लाता देख समर तोता वहाँ से भाग जाता है, और जंगल के सारे पक्षियों को उस चुड़ैल चिड़िया और उसके खजाने के बारे में बता देता है। उस दिन से कोई भी पक्षी उस चुड़ैल टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के आसपास भी नहीं आता। चुड़ैल सिलाई वाली। अरे कोयल बहन, आपको पता है हमारे इस जंगल में टूनी नामक चिड़िया बहन रहने आई है, और मैंने सुना है कि वो चिड़िया बहुत ही अच्छे कपड़े सीती है, उसका सिलाई का कार्य है। क्या सच कह रही हो कौवी बहन? हाँ हाँ कोयल बहन, वो चिड़िया बहन बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सी रही है। मैं तो जा रही हूँ उस चिड़िया बहन के वहाँ अपने कपड़े सिलवाने। आप चल रही हो मेरे साथ? हाँ हाँ कोयल बहन, मैं भी आपके साथ चलूँगी। दोनों पक्षी उड़ते हुए जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें और कई सारे पक्षी मिलते हैं। वो पक्षी भी मिनी कौवी और कोयल के साथ उस टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आते हैं। चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। अरे आप सब कौन हैं? चिड़िया बहन, हम इसी जंगल के निवासी हैं। आप नए नए हमारे इस जंगल में आए हो ना, और हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सीते हो, इसलिए हम सारे पक्षी आपके पास अपने कपड़े सिलवाने आए हैं। अरे वाह, इतने सारे शिकार, लगता है आज भाग्य भी मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कौवी बहन, मैं आप सबको आपके मन चाहे कपड़े सी कर दूंगी। अरे चिड़िया बहन, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं,
ये लीजिए मेरे कपड़े और बढ़िया सा मेरे लिए ड्रेस सिलवा कर रखिए। टूनी चिड़िया सारे पक्षियों के कपड़े लेकर उनका माप ले लेती है। अरे चिड़िया बहन, हमारे कपड़े कब तक मिल जाएंगे हमें? कोयल बहन, आज रात में आप सबके कपड़े मिल जाएंगे। सारे पक्षी टूनी चिड़िया को सिलाई के पैसे देकर वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया अकेले अपने घोंसले में उन सारे कपड़ों की ओर देखकर हंसने लगती है। इन कपड़ों को तो मैं पलक झपकते ही सिलूंगी। तभी वो टूनी चिड़िया इस भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल टूनी चिड़िया उन कपड़ों की तरफ इशारा करती है। वो कपड़े खुद सिलाई मशीन पर उड़ते हुए जाते हैं और सिलाई मशीन अपने आप सब पक्षियों के कपड़े सीने लगती है। कुछ ही पल में वो मशीन सारे पक्षियों के कपड़े सी लेती है। अब बहुत जल्द मुझे अपने कई सारे शिकार मिलने वाले हैं। वो टूनी चिड़िया एक चुड़ैल चिड़िया थी। इस बात से सारे जंगल के पक्षी अनजान थे। देखते ही देखते रात हो जाती है। वो चुड़ैल टूनी चिड़िया एक साधारण चिड़िया के अवतार में अपने घोंसले में सिलाई मशीन पर बैठी हुई थी। तभी मिनी कौवे, कोयल और कई सारे पक्षी चुड़ैल टूनी चिड़िया के घोंसले में आते हैं। अरे चिड़िया बहन, हो गए हमारे कपड़े? हाँ हाँ पक्षियों, आप सबके कपड़े हो गए। ये लीजिए आप सबके कपड़े। सारे पक्षी अपने अपने कपड़े अपने हाथ में लेते हैं। कपड़े इतने बेहतरीन सिए हुए थे कि सब पक्षी अपने अपने कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, के कपड़े सिए हैं आपने? ऐसे डिजाइन वाले कपड़े तो हमने आज तक नहीं देखे। सच में आपने बहुत ही अच्छे कपड़े सिए हैं। अरे वाह, मेरा ये ड्रेस तो कैसे परी की तरह लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन कि आपने मेरा ये ड्रेस इतना अच्छा सिया है। हाँ हाँ पक्षियों, अभी जितना हंसना है उतना हंस लो, कि बाद में आप सब खून के आंसू रोने वाले हैं। अरे पक्षियों, इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो मेरा रोज का कार्य है। मैं तो अभी घोंसले में जाकर ये ड्रेस पहन के देखूंगी। ये ड्रेस ऊपर से इतना अच्छा लग रहा है, तो जब मैं इसे पहनूंगी तो मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी। चलो पक्षियों, मैं तो अपने घोंसले में जा रही हूँ। कोयल उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे सारे पक्षी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। जाओ जाओ पक्षियों, बस एक बार ये ड्रेस तुम सबने पहन लिए ना, उसके बाद जहाँ कभी तुम सब अपने शरीर से ड्रेस उतार नहीं पाओगे। ये ड्रेस अब तुम्हारे शरीर से केवल मैं ही उतार पाऊंगी। ये कहकर वो चुड़ैल टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इधर सारे पक्षी अपने घोंसले में आते हैं और वो कपड़े पहन लेते हैं। सारे पक्षी कपड़े पहन कर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मिनी, ये कपड़े तुम्हारे शरीर पे कितने अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से ले आई हो कपड़े? जी मैंने ये कहीं से लाए नहीं है, ये तो मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हुए थे। उन्हीं में से ये एक ड्रेस मैंने अपने जंगल की एक टूनी चिड़िया के पास से सिलवाए हैं। टूनी चिड़िया, ये नाम तो मैंने अब तक नहीं सुना। जी वो क्या है ना, टूनी चिड़िया हमारे जंगल में नई नई रहने आई है और वे इतनी अच्छे कपड़े सीती है कि हम सारे जंगल के पक्षियों ने उन्हीं के पास अपने ही कपड़े सिलवाए हैं। देखिए आप भी देखिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं कपड़े। चलो बाबा, अब बहुत रात हो गई है, अभी नए कपड़े उतार लो वरना ये अभी खराब हो जाएंगे। मिनी कौवी अपने कपड़े उतारने लगती है, पर उसके शरीर से वो कपड़े उतर ही नहीं पाते। उसके शरीर पर वो कपड़े गोंद की तरह चिपक गए थे। मिनी कौवी उन कपड़ों को उतारने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कपड़े उसके शरीर से अलग ही नहीं हो पाते। अरे ये क्या मिनी, कपड़े उतारने में इतना समय कैसे लग रहा है? जी देखिए ना, ये कपड़े मेरे शरीर से उतर ही नहीं रहे हैं। मैं कब से उन्हें उतारने की कोशिश कर रही हूँ। अरे ये क्या मिनी, तुमसे एक कपड़ा भी नहीं उतारा जा रहा। लाओ मैं उतार देता हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी के शरीर से वो कपड़े निकालने की जी-जोर कोशिश करता रहता है, पर वो मिनी कौवे के शरीर से वो कपड़े उतार नहीं पाता। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है, पर मिनी कौवे के शरीर से वो कपड़े ना तो उतर रहे थे ना ही वो कपड़े फट पा रहे थे। दोनों मिलकर बाहर जंगल में आते हैं तो जंगल में हर पक्षियों के साथ यही समस्या थी। जितने पक्षियों ने उस चुड़ैल टूनी चिड़िया से कपड़े सिलवा कर पहने थे,
उन सब पक्षियों के शरीर से वो कपड़े उतर ही नहीं पा रहे थे। पूरे जंगल के पक्षी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पक्षियों, ये हमारी पत्नियां कैसी समस्या में फंस गई हैं? इनके शरीर से ये कपड़ा उतर क्यों नहीं रहे? आखिर क्या है ऐसा इन कपड़ों में? पक्षियों, हमारी पत्नियों ने ये कपड़े उस टूनी चिड़िया से सिलवाए हैं। हमें उसी के पास जाकर पता करना होगा कि ये कपड़े इन पक्षियों से उतर क्यों नहीं रहे। सारे पक्षी उस चुड़ैल टूनी चिड़िया के घोंसले में जाते हैं, पर वहाँ वो चुड़ैल टूनी चिड़िया नहीं थी। ये देखकर सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। अरे, वो टूनी चिड़िया कहाँ है? वो इसी घोंसले में तो रहती थी। हो सकता है वो चिड़िया कहीं बाहर गई हो। हमें यहीं बैठकर उसकी आने की राह देखनी होगी। सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घोंसले के बाहर खड़े चुड़ैल टूनी चिड़िया की आने की राह देख रहे थे। काफी समय बीत जाता है, पर वो चुड़ैल टूनी चिड़िया अब तक वहाँ नहीं आती। सारे पक्षी बेहद परेशान हो जाते हैं। तभी दो अनजान तोता पक्षी दूर तरस जंगल के उन पक्षियों के पास आते हैं। अरे पक्षियों, क्या आपके इस जंगल में ऐसी कोई चिड़िया आई थी क्या, जो पक्षियों के कपड़े सिलती है, जो सिलाई का कार्य करती हो? हाँ हाँ तोते भाई, एक टूनी नामक चिड़िया आई हमारे इस जंगल में, जो सिलाई का काम करती है, और वो इसी घोंसले में रहती है। पर आपको उस चिड़िया से क्या काम है? पक्षियों, वो कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि वो एक चुड़ैल चिड़िया है। मेरी पत्नी ने उस चिड़िया के पास अपने कपड़े सिलवाए थे। जब से इसने ये कपड़े पहने हैं, तब से इसके शरीर से ये कपड़े उतर ही नहीं रहे। हम 2 सालों से इस चुड़ैल चिड़िया को ढूंढ रहे हैं, पर अब तक हमें उसका पता भी नहीं चला। पर आज शायद मेरी पत्नी के शरीर से वो कपड़े निकल जाएंगे। ये बात सुनकर सारे पक्षी दंग रह जाते हैं, और वो दोनों तोते सारी की सारी बात विस्तार से बताते हैं। क्या, इस चुड़ैल ने आप सबको कपड़े पहना दिए हैं? अरे बाप रे बाप पक्षियों, ये कपड़े अब आपके शरीर से कभी नहीं उतरेंगे। हम खुद 2 सालों से इस चुड़ैल को ढूंढ रहे हैं। सारे पक्षी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं, और सब अलग अलग दिशा में उस चुड़ैल टूनी चिड़िया को तलाश करने निकल पड़ते हैं। सब घूमते रहते हैं, पर वो चुड़ैल टूनी चिड़िया कभी किसी पक्षी को दिखाई नहीं देती।